friends, in this video we are going to see about multi-core architecture and programming. Multi-core architecture and programming la MCQs eppadi questions kepaanga appdin paakalam. Endha unit paathina unit 3 shared memory programming with open MP. So before vandha andha questions MCQ paakkuradhukku munadi andha questions base panni basic key terms enna adha paathiralam. First enna paathina what is open MP? ओपन एमपी अब पाती ओपन मल्टी प्रोसेसिंग ओके अदरवाइज वे पाती इट इस एन एपीआई दैट मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इतनी सूट आगे पाती पैरलल प्रोग्रामिंग अचीव पड़े मेन ऑब्जेक्टिव पाती ओपन एमपीओ ऑब्जेक्टिव पैरलल प्रोग्रामिंग दैट मीन्स प्रोग्राम पैरलल एक्सिक्यूट पड़ो अब ओपन एमपी यूज पड़ो इोड की टर्म पुरोग्राम यूस पड़ो अब पाती ओएमपी दट मीन ओपन एमपी ओपन इज नथिंग बट दि जस्ट वो अदर ओपन सोर्स ओपन अब ओपन एमपियो मेन ऑब्जेक्टिव पैरलल प्रोग्रामिंग अचीव पड़ेदा इतना रियल टाइम एप्लीकेशन यूस आगो अब पाती सपोज और प्राजेक्ट वो रोम कॉम्प्लेक्सा सो आउटपुट अब प्रोड्यूस आगे रोम लेट आगे दट मीन लाइन्स ऑफ कोड वो अधिकमार कंपाइल पड़ी एक्सिक्यूट पड़े टाइम रोम अधिक कंस्यूम पड़ो इे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नम्बर पैरलल प्रोग्रामिंग दट मीन ओपन एमपी यूस पड़ी एक्सिक्यूट पड़े वित्न नैनो सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स नम्बर आउटपुट कम रियल टाइम वो प्रॉब्लम्स सॉल्व पड़े ये कॉम्प्लेक्स प्राजेक्ट पैरलल प्रोग्रामिंग यूस पड़े साइमल्टेनियसली नम्बर वर्क वो कंप्लीट आगे सो अब ओपन एमपी यूस पड़े रोम बेटर अंड नेक्स्ट पाती प्राग्मा डू यू नो प्राग्मा इट इस नथिंग बट ए कंपाइलर डायरेक्टिव नार्मला वो नम्बर सी प्रोग्राम पाकोद हाश इनक्लूड कोनियो डॉट एच एसटीडीआईओ इनपुट आउटपुट डॉट एच एडर फाइल इनक्लूड पड़े मेरी वो प्राग्मा यूस पड़ो यूस पड़ो पाती जस्ट अंत ओपन एमपी प्रोग्राम एक्सिक्यूट पड़े प्रोग्राम नम्बर मेंशन पड़ो प्राग्मा द वर्ड ओके एमसीक्यू डायरेक्टा पाक प्रीवियसा नम्बर की टर्म्स पातना इतना प्राग्मा यूस पड़ो ओएमपी अब वो नम्बर क्लियर पुरी डायरेक्टा प्रोग्राम को जंप पड़ा सो बेसिक्स पाटेटे इं प्रोग्राम पाक सपोज इप्ली प्रोग्राम को वाट इस दि आउटपुट को ऑप्शन को इपी नम्बर सॉल्व पड़ा क्वेश्चन कंपेर पड़े प्रोग्राम को नम्बर ईसिया अवटपुटल इत बिकॉज इत कॉम्प्लेक्सा कोटा जस्ट वन मार्क प्रोग्राम स्माल नम्बर ईसिया फाइंड पड़ा फर्स्ट वन आश प्राग्मा ओएमपी पैरलल फर्स्ट लाइन पाती प्रीवियसा पातन प्राग्मा इज ए कंपाइलर डायरेक्टिव ओपन एमपी प्रोग्राम नम्बर यूस पड़ा ओएमपी इतना पाती पैरलल एक्सिक्यूशन सो पैरलल फर्स्ट लाइन एलो अंड नेक्स्ट पाती प्रिंट जस्ट वो प्रिंट स्टेटमेंट कुछ हलो वर्ल्ड सो आउटपुट वरपो नार्मला हलो वर्ल्ड अब एक्सिक्यूट आसर वो पी वन प्रोसेसर थ्रेड रेंडुमे सेम दा सिंगल प्रोसेसर ले इंद प्रोग्राम एक्सिक्यूट आचना जस्ट इंद प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट अप्डे प्रिंट आगो दैट मीन्स अलो वर्ल्ड अप्डे इंगे प्रिंट आगो बट इन पैरलल एक्सिक्यूशन ना एप्डी इरुकुन पाथिंगना नम्बर जस्ट ओरु सिंगल प्रोसेसर यूज पन्न मट्टुम मल्टीपल प्रोसेसर लाइक पाथिंगना इप्पो पी वन प्रोसेसर वन अंड देन प्रोसेसर टू अंड देन प्रोसेसर थ्री लाइकवाइज इतमारी पेटे जस्ट इंवे ना और त्री प्रोसेसर मटको सो प्रोग्राम जस्ट इे सेम प्रोग्राम नम्बर एल्त इंडिजल प्रोसेसर को नम्बर इनपुटा कुपो इंपस्ट प्रोग्राम सीक्वेंशल अब अब मल्टिपल प्रोसेसर नम्बर इनपुटा को प्रोसेसर वन प्रोसेसर टू अंड देन प्रोसेसर थ्री सो एम तनि तनिया एक्सिक्यूट पड़ी नम्बर फाइनल आउटपुट वो ओके पाती मत एतना प्रासेसर पाती थ्री प्रासेसर सो अब इतनी प्रासेसर इंडिजल प्रिंट इत तनिया आउटपुट को अंडन इत तनिया इंडिजल प्रिंट इत तनिया इंडिजल प्रिंट दट मीन इंवल प्रिंट आगो इत प्रासेसर प्रासेसर सो इत वो ना एक्सापल् त्री प्रासेसर एट प्रोग्राम पाती ना कुे एतने थ्रेड्स दट मीन एतने प्रासेसर रन आगे इत प्रोग्राम अब ना कुे सो अगो अब पाती नार्मल डीफाल्टा वो अक् पड़ो ओपन एमपी पैरलल एक्सिक्यूशन अवे वो एतने प्रासेसर अब पाटे करेक्टा अंत नम्बर आउटपुट को ना वो 64 प्रासेसर यूस पड़े और 64 थ्रेड्स यूस पड़ेना अवटपुट पाती 64 टाइम्स प्रिंट आगो
64 times allow world அப்படினு print ஆகும் okay so அப்போ இது எதை depend பண்ணிருக்குனா processor எவ்வளவு நம்ம யூஸ் பண்ணுமோ அத்தனை டைம் நமக்கு அவுட் ரன் ஆகி இந்த சிங்கிள் program ரன் ஆகி output நமக்கு வரும் so இங்க first one பாத்தீங்கன்னா just அங்க default ஆ நம்ம single thread தான் இருக்கு எதுமே இல்ல அதனால one time print ஆகிடும் that's all so the idea behind in this is the single instruction that means in the single instruction வந்து executed by multiple independent processor and then the instructions are executed in parallel this is the OpenMP program second one as pragma omp parallel number of threads that means 7 threads namba kuduthirukku that means 7 processor inda edathila first initial ave kuduthitom and then print of how are you just how are you namba print panna porom ethana processor run agudhu nu pathina 7 processor threads um same da सपोज इतना 7 अब मेन पड़ेना सिस्टम आइडेंटिफाई पड़ो प्रोसेसर अदार नम्बर इत प्रिंट प्रिंट पड़ी 7 सो 7 प्रोसेसर रन आई अब 7 टाइम्स वो नम्बर प्रिंट आगे हाउ आर यू ओके 7 प्रोसेसर 1 2 3 4 5 6 7 सो प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2 3 4 5 6 and then finally 7 எல்லாத்துக்கும் இந்த single instruction நம்ம input கொடுக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் அது போகுது and then finally parallel எல்லாமே execute ஆகி நமக்கு final output individual processor ஒவ்வொண்ணா கொடுக்கும் output அப்போ 7 times வந்து how are you அப்படின்றது அந்த print of statement print ஆயிருக்கும் okay finally நமக்கு output how are you to 7 times print a irukum 3 times 4 5 6 and then 7 times na short a h matta inge potrukken okay and then next one okay third one pathina idu varaiku paatha two programs odu different a irukum before pathina just vandu parallel program just apdi execute pannu मल्टिपल प्रोसेसर यूस पड़े इतना पाती जस्ट इं सेशन्स और कॉन्सेप्ट सो इत वो डिफ्रंट कंपेर पड़ोब आश प्राग्मा ओएमपी पैरेलल सेक्शंस नंबर ऑफ थ्रेड्स टू इतना पाती टू थ्रेड्स दैट मीन्स टू प्रोसेसर नाम यूस पड़पो अंड देन फर्स्ट पाती टू सेक्शनसा प्रियुद सो इत पाती अब इत थ्रेड वन अंड देन इत थ्रेड टू एक्सिक्यूट पड़ो ओके फर्स्ट पाती आश प्राग्मा ओएमपी सेक्शन यूस पड़ा इतना ना सेक्शन अब मेन पड़े अंड देन प्रिंट ऑफ प्रिंट पड़ो हलो वन अंड देन सेकंड सेक्शन टू दैट मीन्स थ्रेड टू इत एक्सिक्यूट पड़े प्रिंट पड़ा अब पाती हलो टू अब प्रिंट आगे सो वह पाती टू सेक्शन नम्बर एतना सेक्शन बना नम आड पाक अंड सेक्शन थ्री नेक्स्ट प्रिंट हलो थ्री अब थ्रेड थ्री एक्सिक्यूट पड़पो सो फर्स्ट सेक्शन ना अब पाटेटे आउटपुट अब पाक सेक्शन प्रपोस्ड फॉर पैरेलल एक्सिक्यूशन ऑब्जेक्ट इतनी पैरेलल एक्सिक्यूशन सेक्शन नम्बर यूस पड़ो फॉर ईच सेक्शन वन कंट्रोल विल प्रेजेंट पाती सेशन वन वो कंट्रोल अंड देन सेशन टू को वो कंट्रोल सेशन कंट्रोल वो इधर अंदमि इत सेशन कंट्रोल इतनी मटम इंडिविजुअल इोड यार वो इतनी एडन पाती सेशन इधर रूल पड़ो सेशन टू वो इतक मटम रूल पड़ो ओके प्रोग्रामो आउटपुट अब पाता प्रिंट आगे ओके फर्स्ट पाती फर्स्ट सेशन के प्रिंट ऑफ हलो वन सो हलो वन प्रिंट आगे अंड देन सेकंड सेक्शन के प्रिंट ऑफ हलो टू ओके थ्रेड वन एक्सिक्यूट पड़ो थ्रेड टू एक्सिक्यूट पड़ो இதுக்கும் प्रीवियस இருக்குறதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம செக்ஷன்ஸ்லாம் எதுமே யூஸ் பண்ணவே இல்ல ஜஸ்ட் வந்து இந்த பிரிண்ட் ஆஃப்ல ஹலோ வேர்ல்ட் இருக்கு சோ நம்ம எத்தனை processor யூஸ் பண்ணாலும் இந்த சேம் பிரிண்ட் ஆஃப் சிங்கிள் பிரிண்ட் ஆஃப் தான் ஹலோ வேர்ல்ட் ஹலோ வேர்ல்ட் ஹலோ வேர்ல்ட் பிரிண்ட் ஆக போகுது எந்த விதமான செக்ஷன்ஸோ இல்ல இந்த ஹலோ வேர்ல்ட் வந்து எல்லா processor-க்கும் காமன் அண்ட் தென் செகண்ட் program பார்த்தாலும் 7 threads இருக்கு சோ 7 threads सेक्शन्स जस्ट ओर प्रिंट ऑफ सो इन द सेम इंस्ट्रक्शन एल प्रोसेसर एक्सिक्यूट पड़ो दैट मीन्स हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू एक्सिक्यूट आगे बट इं पाती इंडिविजुअल सेक्शन सो इन सेक्शन फर्स्ट सेक्शन प्रिंट ऑफ प्रिंट आगे अंड देन सेकंड सेक्शन प्रिंट ऑफ अपोज थर्ड सेक्शन हलो थ्री हलो थ्री अवुट वो
ஓகே ஸோ இண்டிவிஜுவல் செக்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அதுதான் பிரிண்ட் ஆகும். அதேமாரி இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அதுதான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எல்லா ப்ராசஸரும் ஹலோ வேர்ல்டுன்னே பிரிண்ட் ஆகுது. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க், தட் மீன்ஸ் இங்கே வேறு இருக்குது கோடு, இங்கே வேறு இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் எக்ஸிக்யூட்டட் பை டிஃப்ரெண்ட் த்ரெட்ஸ், திஸ் இஸ் தி செக்ஷன் கான்செப்ட். அண்ட் தென் இந்த பேரலல் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்போது அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட் இந்த த்ரெட்ஸோ ப்ராசஸரும் வந்து ஒன்று ஒன்று இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும். இப்போது ப்ராசஸர் P2 வந்து ப்ராசஸர் P1 டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, சம் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட், இந்த ப்ராசஸர் வேறு சம் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் ஏதோ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்குது. இதுக்கு வந்து இதோட வேல்யூ சம்திங் அசஸ் பண்ணுற மாரி வரக்கூடாது. எல்லாத்துக்குமே வந்து தனித்தனியாக இருக்கணும். P2 வந்து P1 டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அது பேரல் ப்ரோக்ராமை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அது என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணும். P1 எக்ஸிக்யூட் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆனது தான் அதுக்கப்புறம் அதோட ஆர்கியூமெண்ட்டோ வேல்யூவோ P2க்கு பாஸ் பண்ணும். P2 எக்ஸிக்யூட் ஆகி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டால் தான் P3க்கு பாஸ் பண்ணும். ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட்டாக இருந்தால் சீரியல் எக்ஸிக்யூஷனாக மாறிடுது. பேரலாக இருக்கும்போது எல்லா ப்ராசஸரும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும், அப்போ தான் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். இப்போ இங்கே சம்திங் எனக்கு ஏ வேல்யூ வந்து இங்கேனா A=3+5. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஏ வந்து இங்கே என்ன கிடச்சிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 வரும். இப்போ P2 வந்து எனக்கு இப்படி இருக்குது, B=A+10 ஆட் பண்ணணும். ஸோ B=, நான் ஏவோட வேல்யூ இங்கே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஏக்கு என்ன 8. ஸோ இந்த 8 நான் இங்கே 8 இது இந்த கால்குலேஷன் முடித்தா தான் நான் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ண முடியும். ஏக்கு ஃபைனலாக வந்து 8 வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் இது சீரியலாக கண்டினியூ பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. ஸோ ப்ராசஸர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தால் அது சீக்வென்ஷியல் ப்ரோக்ராமிங்காக மாறிடும். பட் பேரலல் ப்ரோக்ராமிங்னா எல்லா ப்ராசஸரும் வந்து இண்டிவிஜுவலாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், 4th OMP கெட் த்ரெட் நம்பர். இந்த கமாண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து த்ரெட்டோட ரேங்க் நம்ம கெட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ டு கெட் த்ரெட்ஸ் ரேங்க். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 த்ரெட்ஸ் இருக்குது, T1, T2, T3, T4 அண்ட் தென் ஃபைனலி T5 இருக்குது. இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5th ரேங்கில் இருக்குது, தட் மீன்ஸ் த்ரெட் 5. ஸோ இதோட ரேங்க் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம அசஸ் பண்ணணும்னா 5 அப்படின்ட்டு நம்ம அசஸ் பண்ணுவோம். ஏற்கனவே ப்ரீவியஸாக இருக்குது, அதோட ரேங்க் 5th பொசிஷன் இருக்குது. ஸோ அதோட ரேங்க் வந்து 5 அப்படின்ட்டு நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் யூஸிங் த்ரெட் நம்பர். அண்ட் தென் ஓப்பன் எம்பி, தட் மீன்ஸ் OMP கெட் நம்பர் த்ரெட்ஸ். இதுக்கு எதுக்கு நம்ம இந்த கமாண்டுக்கும் இதுக்கும் ஜஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் தான், இங்கே த்ரெட் நம்பருன்னு இருக்குது, இங்கே நம்பர் த்ரெட் இருக்குது. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளாம் வந்து த்ரெட் நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ திஸ் கமாண்ட் இஸ் யூஸ்டு டு திஸ் கமாண்ட் இஸ் யூஸ்டு டு அசைன் தி நம்பர் டு த்ரெட். ஸோ நம்மளாக அசைன் பண்ணால் இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணும், நம்பர் த்ரூ த்ரெட். இது ப்ரீவியஸாக ஆல்ரெடி இருக்கிற த்ரெட்டோட ரேங்கை கெட் பண்ணுறதுக்கு, இது வந்து நம்மளாக அந்த த்ரெட்டுக்கு ரேங்க் அசைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு த்ரெட், இங்கே ஒரு த்ரெட், இங்கே ஒரு த்ரெட் இருக்குது. நானாக அசைன் பண்ணுறேன் இது ஃபஸ்ட் த்ரெட், இது செகண்ட், இது தேர்ட் த்ரெட்டுன்னு, இதுதான் வந்து நம்மளாக அசைன் பண்ணுறது. ஸோ இந்த கமாண்ட் வந்து த்ரெட் நம்பர் நம்மளே அசைன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே ஸோ பேலன்ஸை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ காய்ஸ்.